ऐप को इंस्टॉल करना होगा। इसके बाद इस ऐप को ओपन करने पर पे बिल, रिचार्ज एंड लॉगिन के ऑप्शन होंगे। विदाउट लॉगिन बिल पेमेंट करने के लिए पे बिल ऑप्शन को टैप करेंगे। अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल, मीटर नंबर में से किसी एक को वेरीफाई करेंगे। ओपन होने पर आपको अकाउंट डिटेल्स एंड ड्यू अमाउंट शो होगा। पे बिल ऑप्शन को टैप कर बिल का भुगतान कर सकते हैं। आपको स्मार्ट मीटर व कंजप्शन की डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए इस ऐप पर लॉगिन करना होगा। अगर आपने इस ऐप पर अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो फर्स्ट टाइम यूजर रजिस्ट्रेशन लिंक पर टैप करेंगे। आप 10 डिजिट्स का अकाउंट नंबर फिल करते हुए वेरीफाई करेंगे। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर व ईमेल पर ओटीपी प्राप्त होगा। इस ओटीपी को फिल करते हुए नेक्स्ट टैब पर टैप करेंगे। इसके बाद अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड क्रिएट कर साइन अप कर देंगे। सक्सेसफुली रजिस्टर्ड यूजर यूजर आईडी एंड पासवर्ड फिल कर लॉगिन कर सकते हैं। यूजर आईडी फॉरगेट हो जाने पर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अथवा अकाउंट नंबर से भी लॉगिन कर सकते हैं। ऐप के डैशबोर्ड पर आपको टॉप पर आपका नाम, अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप व करंट ड्यू अमाउंट शो होता है। यहाँ पर दिए गए पे बिल ऑप्शन को टैप कर बिल का भुगतान कर सकते हैं। इसके नीचे मैनेज अकाउंट, कन्वर्ट पोस्ट पेड टू प्रीपेड, कंजप्शन, एनर्जी टिप्स, बिलिंग, कंप्लेंट, बिल एस्टिमेट जैसे ऑप्शंस मिल जाते हैं। मैनेज अकाउंट सेक्शन में जाकर आप अपने इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डिटेल्स देख सकते हैं। कन्वर्ट पोस्ट पेड टू प्रीपेड ऑप्शन के थ्रू आप अपने पोस्ट पेड कनेक्शन को प्रीपेड में घर बैठे ही चेंज करने का अनुरोध कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज कंजप्शन। इस ऑप्शन में आपको करंट मीटर रीडिंग, पिछले दिन का कंजप्शन एंड करंट ईयर का कम्युलेटिव कंजप्शन शो होता है। यहाँ आपको मीटर व अकाउंट डिटेल्स को देखने का भी ऑप्शन मिल जाता है। कंजप्शन ऑप्शन पर टैप करने पर आप ईयरली, मंथली, वीकली एंड पीरियोडिकली कंजप्शन देख सकते हैं। यहाँ दिख रहे कंजप्शन एस्टिमेटर पर टैप कर आप अपने पास्ट कंजप्शन पैटर्न को करंट कंजप्शन पैटर्न से कंपेयर कर सकते हैं। अलर्ट एंड नोटिफिकेशन। इस ऑप्शन में आपको मीटर से रिलेटेड नोटिफिकेशन एंड अलर्ट प्राप्त होते हैं, जिन्हें आप अपनी आवश्यकता अनुसार चेंज कर सकते हैं, जैसे लो वोल्टेज, पावर फैक्टर, लो पावर फैक्टर, पावर रिस्टोरेशन रिलेटेड नोटिफिकेशंस आदि। एनर्जी सेविंग टिप्स सेक्शन में आप इलेक्ट्रिसिटी को एफिशिएंटली यूज करने एवं अपने कंजप्शन को मिनिमाइज रखने के लिए दी गई टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। बिलिंग ऑप्शन को टैप करने पर आपको मीटर रीडिंग डेट, मीटर रीडिंग, ड्यू अमाउंट, कंजप्शन जैसी इंफॉर्मेशन दिखाई देती है। बिलिंग हिस्ट्री पर टैप करने पर आप करंट ईयर की बिलिंग हिस्ट्री भी देख सकते हैं। यहाँ आपको बिल डाउनलोड करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। कंप्लेंट सेक्शन पर टैप करने पर आप अकाउंट नंबर फिल करते हुए कंप्लेंट टाइप जैसे मीटर स्पार्किंग, मीटर नो डिस्प्ले, लूज कनेक्शन जैसे ऑप्शन को सेलेक्ट कर कंप्लेंट डिटेल में टाइप कर सबमिट कर सकते हैं। यहाँ आपको टॉप पर ट्रैक कंप्लेंट का ऑप्शन भी मिल जाता है। वेरियस डायरेक्ट सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए सर्विस रिक्वेस्ट ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। बिल एस्टिमेट सेक्शन पर आप मीटर रीडिंग, MD एंड सैंक्शन लोड फिल कर अपना बिल स्वयं कैलकुलेट कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आपके सजेशंस रिक्वेस्ट को ध्यान रखते हुए इस वीडियो में हमने स्मार्ट मीटर ऐप से संबंधित सभी पॉइंट कवर कर लिए हैं।